दोस्तों, क्या आप जानते हो कि स्मार्ट कट प्रो के अंदर जो छोटा सा स्नैप टूल होता है, तो ये किस काम आता है? अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को आखिर तक देखो। सबसे पहले मैंने एक वीडियो सबसे पहले एक मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया है टाइमलाइन के ऊपर, तो इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर बनी हुई है। अभी क्या है, स्नैप टूल का क्या काम है, कभी भी मेरा स्नैप टूल अगर बंद रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये वाली पोजीशन जहाँ से ये वाली वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है, वहाँ से मुझे एक और वीडियो रखनी है ये वाली लेयर पे, तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो के अंदर जाता हूँ और अपनी वीडियो को उठाता हूँ टाइमलाइन के ऊपर। तो क्या हो रहा है, इसमें मुझे पोजीशन नहीं दिखा रहा है कि मैं चाहता हूँ ये नीचे जो टेक्स्ट की लाइन आ रही है, टेक्स्ट की बिल्कुल सेंटर में मुझे डालना है इसको। तो जैसे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ, तो देखो एक एक दो फ्रेम मेरे आगे पीछे चला जाएगा, वो जो परफेक्ट पोजीशन है वो उसकी आ नहीं पाएगी। तो इसी चीज़ के लिए हमारा ये स्नैप टूल काम आता है कि कभी भी मैं स्नैप टूल मेरा चालू रहेगा और मैं वीडियो को इम्पोर्ट करूँगा टाइमलाइन के ऊपर, तो ऑटोमेटिक स्नैप दिखा देगा, ऑटोमेटिक ब्लैक कलर की लाइन आ जाएगी आपकी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा जो नीचे वीडियो है उसका सेंटर कहाँ पर है। जैसे इसके सेंटर में मुझे रखना है, ऑटोमेटिक ब्लैक लाइन आ गई। यहाँ पर रखना है, ऑटोमेटिक ब्लैक लाइन आ गई। लास्ट में लेकर जाना है मुझे, लास्ट में लेकर आ जाता हूँ। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ टाइमलाइन को थोड़ा। अभी जैसे मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन पे, ये वाली फाइल की पोजीशन पे मुझे एक फ़ाइल रखनी है इसके ऊपर, तो यहाँ रखना चाहता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक ब्लैक कलर की लाइन आ जाएगी। अगर स्नैप मेरा चालू नहीं रहेगा और मैं फ़ाइल को इम्पोर्ट करता हूँ, तो वो ब्लैक कलर की फ़ाइल मुझे दिखाई नहीं देगा। तो जो मेरा सेंटर में रखना है मुझे, जिस सेंटर में भी रखना है क्लिप के, वो सेंटर का मुझे पता नहीं लग पाता है। तो मेरा जो स्नैप टूल का यही काम है कि नीचे वाली पोजीशन या ऊपर वाली कोई भी वीडियो है, तो उसका सेंटर में ऑटोमेटिक मुझे स्नैप करके दे देगा कि यहाँ पर मेरा सेंटर है, आप यहाँ पर इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो।